हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 5 शिलायाह प्रवास ऑफ आवर जीएसईबी संस्कृत टेक्स्ट बुक। इट इज स्टैंडर्ड 8th संस्कृत टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 5 शिलायाह प्रवास। शिलायाह प्रवास मीन्स शिलाज जर्नी, शिला की जर्नी। जर्नी यानी यात्रा पर जाना, या फिर जैसे हम स्कूल की तरफ से ट्रिप पर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं स्कूल ट्रिप पर, तो उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। सविता भ्रमण भाषम घृत्वा, हरिओम। सविता भ्रमण भाष घृत्वा, मतलब भ्रमण भाष क्या होता है? मोबाइल, मोबाइल पकड़ करके, मोबाइल जैसे हम होल्ड करके हाथ में बात करते हैं उसी तरीके से सविता मोबाइल पकड़ करके बात कर रही है। हरिओम, सबसे पहले उसने क्या कहा? हरिओम, जैसे हम नमस्कार करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उसी तरीके से सविता ने नमस्कार किया, हरिओम। शिक्षिका हरिओम कह वदती, तो आगे से आवाज़ किसकी आई? शिक्षिका की, यानी कि टीचर की। तो टीचर ने आंसर दिया हरिओम कह वदती। कह मतलब कौन, वदती मतलब बोलना, तो कौन बोल रहा है? सविता अहम शिलायाह माता वदामि, प्रवासे मम पुत्री अस्ति। मैं शिला की माता बोल रही हूँ, प्रवासे यानी कि जर्नी, जर्नी पर मेरी पुत्री है। शिक्षिका आम अस्ति, किंचित कार्यम अस्ति वा। शिक्षिका यानी कि टीचर बोल रही है, हाँ है, मतलब शीला है प्रवास पर, जर्नी पर है। किंचित कार्यम अस्ति वा, किंचित मतलब कोई या कुछ, कुछ काम है, क्वेश्चन मार्क, वा मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। सविता आम अहम तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि, तो आम मतलब हाँ, हाँ मैं उसके साथ, तया स, तया मतलब उसके साथ, वार्तालाप यानी बातचीत करतुम इच्छामि, मतलब करने की इच्छा रखती हूँ, या फिर मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। शिक्षिका शीलाम प्रति भ्रमण भाषम प्रेषयति, तो शिक्षिका शीला के पास मोबाइल भेज देती है। प्रेषयत मतलब सेंड करना, उसके पास मोबाइल भेज देती है शीला। अभी कौन बात कर रहा है? शीला बात कर रही है अब सविता के साथ। अभी सविता और शिक्षिका के बीच बातचीत हो रही थी। सविता कौन? शीला की मदर और शीला के टीचर जो शिक्षिका हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। अभी सविता और शीला यानी मदर और डॉटर के बीच में, माँ और बेटी के बीच में अभी आगे बातचीत होगी। शीला अम्ब कथम अस्ति सर्व कुशलम वा, शीला बोल रही है अम्ब मतलब माँ, माँ कैसा है, सर्व कुशल तो है, सब कुछ ठीक तो है। सविता आम अहम कुशलिनी, तो कुशलिनी फीमेल के लिए आता है, और सविता क्या बोल रही है? हाँ मैं कुशल से हूँ। भवत्या प्रवास कथम प्रचलति, भवत्या मतलब आपका या फिर तुम्हारा प्रवास यानी जर्नी, कथम मतलब कैसा, प्रचलति मतलब चल रहा है, तुम्हारा जर्नी कैसा चल रहा है। शीला प्रवास तो सम्यक प्रचलति, तो शीला आंसर कर रही है प्रवास तो सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, या वेल हम जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्रवास तो अच्छी तरह से चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुहायाम अस्मि, अधुना मतलब नाव या फिर अभी, मैं अजंता गुहा में हूँ, या हम सब अजंता गुहा में हैं। सविता शोभनम तत्र किम किम अस्ति, सविता बोल रही है शोभनम मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। तत्र किम किम अस्ति, वहाँ क्या क्या है। शीला अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति, तो शीला बोल रही है यहाँ अनेक प्रकार के चित्र, चित्राणि बहुवचन है,
चित्रम चित्रे चित्राड़ी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो चित्राड़ी क्या है? चित्र, बहुत सारे चित्र। शिल्पानी, शिल्पानी भी बहुत सारे चित्र, जो पहले के ज़माने में पत्थरों को खोद खोद करके छेनी हथौड़ी से मूर्तियां बनाई जाती थी दीवारों में, तो उसी को हम लोग शिल्पकारी या शिल्प वर्क बोलते हैं। तो अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। तो शीला बोल रही है यहाँ अनेक प्रकार के चित्र और शिल्प भी, सॉरी, और शिल्प भी शिल्प हैं। यहाँ पर शीला क्या बोल रही है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अत्र यहाँ अनेक प्रकार के चित्र और शिल्प हैं। सविता बोल रही है अभी, तत्र कानि चित्राणि सन्ति, वहाँ कौन से चित्र हैं। शीला बोल रही है भगवतः बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति। भगवतः बुद्धस्य मतलब भगवान बुद्ध की शिल्प सुंदर है। तो जैसा आपने पीछे चित्र में देखा कि भगवान बुद्ध के शिल्पकारी करके पिक्चर दिखाया गया है फर्स्ट पेज पर। अन्यत् च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति। और दूसरा चतुर्मुखस्य यानी चार मुख वाले हिरणस्य, हरिणस्य मतलब हिरण का यानी डियर का चित्र भी मनोहर है, यानी कि सुंदर है। चार मुख वाले हिरण का चित्र भी मनोहर है। अत्र बहुनी सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, बहुनी मतलब बहुत प्रकार के, सुंदराणि मतलब सुंदर सुंदर चित्र भी हैं। सविता, पद्मपाड़े चित्रम तत्र अस्ति वा। सविता बोल रही है पद्मपाड़े चित्र तत्र अस्ति वा, यानी पद्मपाड़ी, पद्म को धारण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु, जिनके हाथ में कमल का फूल होता है। तो पद्म मतलब क्या? कमल, कमल के फूल को धारण करने वाले कौन होते हैं? भगवान विष्णु। तो पद्मपाड़े का मतलब यहाँ भगवान विष्णु से है। तो पद्मपाड़े चित्रम तत्र अस्ति वा, यानी कि कमल के फूल धारण करने वाले भगवान विष्णु का चित्र वहाँ है। शीला, आम अस्ति। शीला बोल रही है हाँ है। अस्माभि सह मार्गदर्शक अपि अस्ति। अस्माभि मतलब हम सब, हम सब के साथ, सह मतलब साथ, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कौन? गाइड, जो हमें, हम कहीं घूमने जाते हैं तो गाइड हमें दिखाता है, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताता है, उसी को मार्गदर्शक बोलते हैं। तो ये बोल रही है शीला कि हमारे साथ मार्गदर्शक यानी कि गाइड भी है, अभी का मतलब भी। सविता, सह किम कथयति, वह क्या कहता है? शीला बोल रही है सह बौद्ध गुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। तो शीला बता रही है वह बौद्ध गुफा के विषय में, अस्माभिः मतलब हम सब, सह मतलब साथ, हम सब के साथ वार्तालापं करोति मतलब बातचीत करता है। अपि च और भी, गुहायाः इतिहासम अपीमा कथयति, और वह गुफा के इतिहास के बारे में, गुहायाः मतलब गुफा यानी कि केव, केव के इतिहास के बारे में भी बता रहा है। तो हर चीज़ का एक इतिहास होता है, कब बनाया गया, किसने बनवाया, ये सब बातें होती हैं, तो वो इतिहास के बारे में भी बता रहा है। सविता, तेषां स्थानानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। सविता बोल रही है तेषां स्थानानां, उन स्थानों से कानिचित् कुछ छायाचित्राणि यानी फोटोग्राफ, आनयतु मतलब ले आना। शीला बोल रही है अवश्यम आनयिष्यामि। तो शीला क्या बोल रही है? अवश्य लेकर आऊंगी। आनयिष्यामि, आनयिष्यामि क्या है? भविष्यकाल में है, तो अवश्य लेकर आऊंगी। सविता, अजंतातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति। अजंता के प्रवास से कहाँ जाओगे? तो ये भी भविष्यकाल में है, अभी तो अजंता गुफा में है, और वहाँ से कहाँ जाओगे, सविता पूछ रही है। शीला, अजंतातः वयम् घुश्रेश्वरम् घुश्रेश्वर घुश्रेश्वरः शिरडीम् शिरडीतः त्रयम्बकेश्वरम् त्रयम्बकेश्वरतः नासिकम् गमिष्यामः। तो शीला बता रही है कि अजंता से हम लोग, वयम् मतलब हम सब, घुश्रेश्वर, और घुश्रेश्वर से शिरडी जाएंगे,
और शिरडी से त्रयंबकेश्वर और त्रयंबकेश्वर से नासिक गमिष्यामः मतलब जाएंगे। सविता, सविता बोल रही है शोभनम, अच्छी बात है। प्रवास शिक्षणस्य भाग एव अस्ति, जो जर्नी होती है वो नॉलेज का ही एक भाग होता है, पार्ट होता है, मतलब घूमने फिरने से, यात्रा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तर्हि सम्यक रीत्या प्रवासम करोतु, तब ठीक प्रकार से, सम्यक रीत्या मतलब ठीक प्रकार से, तब ठीक प्रकार से प्रवास करो, जर्नी करो। भवते यत यत पश्यति तत सर्वम टिप्पणी पुस्तके लिखतु, तो बोल रही भवती, तो भवता किसके लिए, मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है, और भवती फीमेल के लिए यूज़ होता है, आप के लिए। तो भवती मतलब आप जो जो देखो वहाँ से सब टिप्पणी पुस्तके लिखतु, वहाँ पर आप जो जो चीज़ें देखो उनको टिप्पणी पुस्तके यानी के नोटबुक में या फिर डायरी में लिखो। शीला, आम अवश्यम लिखिष्यामि, शीला बोल रही है हाँ अवश्य लिखूंगी। सविता, अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषताम तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु, सविता बोल रही है और भी, और क्या लिखना है, प्रवास स्थान की विशेषता मतलब जहाँ जर्नी पर गए हो उस जगह की क्या विशेषता है, तथा तस्य स्थानस्य, तस्य मतलब उस या उसका स्थान का, स्थान के इतिहास के विषय में भी लिखो। शीला, अवश्यम भवतुम नमो नमः, शीला बोल रही है अवश्य मतलब ठीक है लिखूंगी, भवतु मतलब आपको, नमो नमः मतलब नमस्कार, सविता बोलती है नमो नमः मतलब नमस्कार। अभी है ग्लोसरी, जो कि हमें चैप्टर रीडिंग से पहले लर्न कर लेना होता है ताकि चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो भ्रमण भाषा मीन्स मोबाइल, शीलायाह मीन्स ऑफ शीला, तस्य हर अम्ब मदर, अधुना नाव, भवत्या योर, कथम अस्ति हाउ आर यू, गुहायाम इन द केव, चतुर्मुख फोर फेस्ड, पद्मपाड़े ऑफ पद्मनी, पद्मपानी ऑफ पद्मपानी, मार्गदर्शक गाइड, सम्यक रीत्या वेल, बौद्ध गुहायाह ऑफ बुद्धा केव, अस्माभि सह विद अस, टिप्पणी पुस्तकम नोटबुक, आनयतु ब्रिंग। तो ये ग्लोसरी फिनिश होती है। अभी आगे दे रखा हुआ है एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली, नीचे कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो चैप्टर में आए होते हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रोनाउंस करने के लिए दिया गया हुआ है, तो इनको हम रीड करके देखते हैं। भ्रमण भाषा, किंचित प्रेषयति, सम्यक प्रचलित, अजंटा गुहायाम, चतुर्मुखस्य पद्मपाड़े, बौद्ध गुहायाह, त्रयंबकेश्वरम घुष्णेश्वरतः, टिप्पणी पुस्तकम। एक बार फिर से देख लेते हैं। भ्रमण भाषा, किंचित प्रेषयति, सम्यक प्रचलति, अजंटा गुहायाम, चतुर्मुखस्य पद्मपाड़े, बौद्ध गुहायाह, त्रयंबकेश्वरम घुष्णेश्वरतः, टिप्पणी पुस्तकम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, संस्कृत में आंसर देना है क्वेश्चन का। का दूरभाषम करोति, सविता दूरभाषम करोति। सेकेंड नंबर, शीला कस्या पुत्री अस्ति, शीला सवितायाह पुत्री अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, शीला कुत्र गच्छति, शीला प्रवासे गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, शीला किम किम पश्यति, शीला अजंता गुहायाम भगवतः बुद्धस्य सुंदर शिल्पाणि, चतुर्मुखस्य हरिणस्य मनोहरम चित्रम, अन्यानि बहूनि सुंदराणि चित्राणि च पश्यति। एक बार फिर से देख ले, शीला अजंता गुहायाम भगवतः बुद्धस्य सुंदरम शिल्पम, शिल्पम
चतुर्मुखस्य हरिणस्य मनोहरं चित्रं अन्यानि बहूनि सुंदराणि चित्राणि चित्राणि च पश्यति। क्वेश्चन नंबर 3, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन, फॉलो द इलस्ट्रेशन। तो सेंटेंसेस जो दिए गए उनको क्वेश्चन में बनाना है, और एक उदाहरण दे रखा गया हुआ है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। शीला अजंता गुहायाम अस्ति, शीला अजंता गुहा में है। शीला कुत्र अस्ति, तो क्वेश्चन में कैसे बनाया गया है इसको, शीला अजंता गुहायाम की जगह हमने कुत्र यूज किया है, तो क्वेश्चन बन गया, तैयार हो गया, शीला कुत्र अस्ति, वेयर इज शीला। अभी इसी प्रकार से हम देखते हैं, अभी हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। वन नंबर, महेश उद्याने अस्ति, महेश कुत्र अस्ति, वेयर इज महेश। फरीदा वाटिकायाम अस्ति, फरीदा कुत्र अस्ति, वेयर इज फरीदा। थर्ड नंबर, सुनंदा शालायाम अस्ति, सुनंदा कुत्र अस्ति, वेयर इज सुनंदा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखा गया हुआ है, शीला गृहतः मंदिरम गच्छति, शीला कुतः मंदिरम गच्छति, शीला गृहतः कुत्र गच्छति। तो इसी इलस्ट्रेशन को फॉलो करके सेंटेंस दिए गए हैं और हमें आगे इसको बनाना है। नरेंद्र कार्यालयतः गृहं गच्छति, तो हमने पहला सेंटेंस बनाया, नरेंद्र कुतः गृहं गच्छति। सेकंड सेंटेंस बनाया, नरेंद्र कार्यालयतः कुत्र गच्छति। सेकंड नंबर, विनयः क्रीडांगणतः वाटिकां गच्छति। फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया, विनयः कुतः वाटिकां गच्छति। सेकंड क्वेश्चन हमने बनाया, सेकंड सेंटेंस हमने बनाया, विनयः क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति, विनयः क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति। क्वेश्चन के आंसर ठीक से देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, अलका पालनपुरतः गांधीनगरं गच्छति, अलका कुतः गांधीनगरं गच्छति। सेकंड सेंटेंस बनाया, अलका पालनपुरतः कुत्र गच्छति। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फ्रेम द स्टेटमेंट, फॉलो द इलस्ट्रेशन। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दे रखा गया हुआ है और इसको फॉलो करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। नटराजः चित्रम, नटराजस्य चित्रम अस्ति, तो नटराजः चित्रम को हमने क्या बनाया, नटराजस्य चित्रम अस्ति। इसी प्रकार से बनाएंगे, वेदांतः पुस्तकम को हम कैसे बनाएंगे, वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति, वेदांत का पुस्तक है। पार्थः कंदुकः, पार्थस्य कंदुकम अस्ति, पार्थ का बॉल है। कल्पेशः लेखनी, कल्पेशस्य लेखनी अस्ति, कल्पेश की लेखनी है। फोर्थ नंबर, करडः कुंडलम, करडस्य कुंडलम अस्ति, करड का कुंडल है। फिफ्थ नंबर, निसर्गः गृहम, निसर्गस्य गृहम अस्ति, निसर्ग का घर है। इलस्ट्रेशन, शीला पुस्तकम, शीलायाः पुस्तकम अस्ति। तो ये हमने इलस्ट्रेशन को हमें फॉलो करना है और कंप्लीट करना है खाली जगह में। जैसे शीला पुस्तकम, तो क्या बनाया है, शीलायाः पुस्तकम अस्ति, रेखा द्विचक्रिका, रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति। विद्या प्रभावः, विद्यायाः प्रभावः अस्ति, कृपा आसन्दः, कृपायाः आसन्दः अस्ति। मीना पाठशाला, मीनायाः पाठशाला अस्ति, अनीक्षा शाटिका, अनीक्षायाः शाटिका अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। तो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट नंबर,
आरती इज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम जूनागढ़। आरती जूनागढ़ तह राजकोट गच्छति। आरती जूनागढ़ से राजकोट जाती है। हर्षा इज गोइंग टू अमरेली फ्रॉम जूनागढ़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हर्षा जूनागढ़ तह अमरेली गच्छति। हर्षा जूनागढ़ से अमरेली जाती है। थर्ड नंबर, मिहिर इज गोइंग टू सूरत फ्रॉम जूनागढ़। मिहिर जूनागढ़ तह सूरत गच्छति। मिहिर जूनागढ़ से सूरत जाता है। फोर्थ नंबर, कुमार इज गोइंग टू अहमदाबाद फ्रॉम भुज। कुमार भुज तह अहमदाबाद गच्छति। कुमार भुज से अहमदाबाद जाता है। फिफ्थ नंबर, उषा इज गोइंग टू राजपीपला फ्रॉम बड़ौदा। उषा बड़ोदरा तह राजपीपला गच्छति। उषा बड़ोदरा से राजपीपला जाती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस डू द बसेस कम टू योर विलेज। डिस्क्राइब इन द संस्कृत। आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कहाँ से बस आती है या कहाँ से कहाँ तक बस जाती है वो आपको संस्कृत में बताना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया हुआ है, लोकयानम हिम्मत नगर तह इडरम गच्छति। लोकयानम क्या होता है? बस। और हिम्मत नगर से इडरम जाती है। इडर तह वटपल्ली गच्छति। और इडर से वटपल्ली को जाती है। फिर वटपल्ली तह भावनगरम गच्छति। और वटपल्ली से भावनगर को जाती है। तो यही इलस्ट्रेशन आपको फॉलो करके सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी आगे आ जाता है ज्ञातव्यम। ज्ञातव्यम मतलब जानने योग्य बातें। संस्कृत सामयिका नाम सूची। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी गई हुई हैं, नाम प्रकार और स्थान। तो गांडीवम क्या होता है? ये न्यूज़पेपर पत्रिका सामयिका का मतलब यही होता है। न्यूज़पेपर और जो पत्रिकाएं प्रिंट होती हैं प्रिंटिंग प्रेस से, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो गांडीवम साप्ताहिकी पत्रिका है। और स्थान क्या है? वाराणसी। वाराणसी में प्रिंट होती है। फिर उद्यान पत्रिका, ये मासिकम मंथली ये प्रिंट होती है और आंध्र प्रदेश की है ये पत्रिका। अभिनव संस्कृतम, ये वार्षिक पत्रिका है और कानपुर में प्रिंट होती है। अनादिवाक त्रिमासिक पत्रिका है, नई दिल्ली में प्रिंट होती है। फिर अर्वाचीन संस्कृतम, ये त्रैमासिक पत्रिका है, नई दिल्ली में प्रिंट होती है। फिर है आगे गिवार्ड सुधा, मासिक पत्रिका है और ये मुंबई में प्रिंट होती है। दिव्य ज्योति मासिक पत्रिका है, शिमला की है ये। परिजातम मासिक पत्रिका है, कानपुर से ये प्रिंट होती है। संस्कृत देश दैनिक वडोदरा की है, ये दैनिक पत्रिका है। संप्रतम मासिकम, ये मासिक पत्रिका है, अहमदाबाद में प्रिंट होती है। संभाषण संदेश, ये भी मासिक पत्रिका है, बेंगलुरु की। रसना मासिक पत्रिका है, केरला की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में पुनरावर्तनम के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।